सुबह सुबह शिवराज पहुंचे मोहन यादव के पास। ऐसा क्या हुआ जो अचानक सीएम से मिले शिवराज? शिवराज ने लगाया शिकायतों का ढेर, क्या मोहन यादव कर पाएंगे समाधान? एक बेहद पुरानी कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं, उनकी मुसीबतें घटने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उनके गृह क्षेत्र बुधनी, वहाँ भी उनका विरोध होने लगा है, ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में मामा काफी दुखी नजर आ रहे हैं, कई जगह मामा का विरोध हो रहा है। अभी तक तो बस किसान ही शिवराज का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षकों ने भी शिवराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल खबर है कि एमपी में तब अचानक हड़कंप मच गया जब शिवराज के काफिले को अतिथि शिक्षकों ने रोक दिया और शिवराज को चारों तरफ से घेर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षकों ने मामा से सवाल भी किया कि आपने जो वादा किया उसका क्या हुआ। शिक्षकों ने शिवराज से सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगा। खुद को घिरा देखकर शिवराज ने कहा, मैंने जो वादा किया था मैं अपनी घोषणा के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं सीएम से बात करूंगा। इस आश्वासन के बाद ही शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों के घेरे से छूट पाए, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे अब मोहन यादव की खैर नहीं। अतिथि शिक्षकों से मुलाकात की अगली सुबह तड़के ही अचानक शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव से मुलाकात के लिए रवाना हो गए और उनके घर जा धमके। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात अतिथि शिक्षकों के कारण ही हुई। सीएम हाउस में अचानक हुई ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। हालांकि तस्वीरों में दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आश्वासन शिवराज शिक्षकों को देते नजर आए थे, हो सकता है कि शिवराज ने एक्शन भी लिया हो। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे के साथ साथ झारखंड चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। ऐसे में अब खबरें हैं कि मोहन यादव से शायद राज्य की समस्याएं संभल नहीं पा रही, तभी आज जनता शिवराज की तरफ फिर से देख रही है। वहीं शिवराज को मोदी ने पहले ही एमपी से दूर कर दिया था, अब लोग इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि वो अपनी समस्या लेकर किसके दर पर जाए। मोहन यादव में लोग आज भी शिवराज को तलाश रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज इस बात से भी नाराज है कि एमपी में मोहन यादव से नाराजगी के चलते शिवराज को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हुई, मुलाकात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन अचानक शिवराज का मोहन यादव के आवास पर पहुंचना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई बात हुई या फिर मुद्दा सिर्फ झारखंड का चुनाव ही था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।